friends welcome back in your favorite channel i am preeti your host and educator and you all are watching your favorite channel easy way to learn with preeti today i am going to start the summary of the chapter a pact with the sun class 6 supplementary reader and our chapter name is also a pact with the sun same chapter same book चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आई अपील टू ऑल ऑफ यू इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन इजली गेट ऑल फॉर द कमिंग एंड लाइक इट इट शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी जो है वो सईदा की मदर के बारे में है सईदा मदर हैज नॉट रिसिड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स सईदा जो है एक छोटी बच्ची है उसकी मदर उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं आ, मिल पा रहा था जैसी उसकी कंप्लेन थी उनके अकॉर्डिंग सी इज डिनाइड हेल्दी फूड उसको जो है सनसाइन एंड फ्रेश एयर मतलब उसको जो है फूड नहीं मिल पा रहा था सनसाइन सूरज की धूप और फ्रेश ताजी हवा एट लास्ट आखिर में क्या होता है सी कंसल्ट आर गुड फिजिशियन इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस आखिर में वो एक अच्छे फिजिशन से कंसल्ट करती है जो उसको प्रॉपर जो है अच्छी दवाई देता है और उसकी अच्छी सलाह दी जाती है साउंड एडवाइस यानी जिसकी सही सलाह की वजह से वो आखिर में ठीक हो जाती है अब क्या सलाह देता है वो और कौन सी मेडिसन से उसके अंदर ट्रीटमेंट जो है अच्छे से उसको ट्रीट किया जाता है सहीदा की मदर को वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे सैदा इज मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एलिंग मीन्स बीमार होना यानी सैदा की जो मदर थी वो काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी फीवर था कफ भी रहता था यानी बुखार था कफ खांसी होती है बॉडी एक पूरी बॉडी में पेन पेनफुल जॉइंट्स। अब जैसे ही वो ओल्ड एज हो गई थी तो पूरी बॉडी में उनके पेन रहता था एंड वट नोट वट नोट मीन्स क्या नहीं क्या नहीं होता था उनको मतलब सारी बीमारियां उनको ऐसा लगता था कि सब तरह की बीमारियां उन्हीं को लग गई हैं ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजीशियंस फॉर वीक्स और अलग-अलग तरह के डॉक्टर से उनका इलाज भी किया गया था हफ्तों तक उनका इलाज चलता था सी ऑफन शोड साइन ऑफ इंप्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूट बाय अनदर देखिए कुछ टाइम तक तो उनका अच्छे अच्छे डॉक्टर से अलग अलग जो है हफ्तों तक इलाज चलता रहा कभी कभी तो थोड़ा सा हल्का फुल्का उनके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई भी देता था लेकिन जल्दी ही वो फिर से अपने पुराने उसी हाल में पहुंच जाती थी सिक्स सेल्फ यानी अपने आप बीमार और वन कंप्लेंट उनके अंदर यानी एक के एक बाद दूसरी फिर तीसरी ऐसे उनकी शिकायतें फिर से स्टार्ट हो जाती थी मुझे अब ये हो गया अब ये हो गया ऐसे ही उनके दर्द फिर से स्टार्ट हो जाते थे दो वीक एंड कलरलेस, बहुत ज़्यादा कम कमजोर भी हो गई थी वो लंबे समय से बीमार होने की वजह से और कलरलेस का मतलब बहुत उनका फेस बिल्कुल डल हो गया था उनका शरीर सी वाज फॉरबिडन और फॉरबिडन होता है मना करना नॉर्मल फूड एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स ऑफ रिमेन पर

धीरे धीरे जो है एक छोटी सी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था डिंगी रूम यानी धुंधला सा कमरा था उनका विद डोर्स एंड विंडोज फास्टन यानी जो भी डॉक्टर के सजेशन की वजह से वहां पर हर वक्त दरवाजे खिड़कियां बंद रखे जाते थे द ऑफ सनसाइन का मतलब जहां पर सूरज की किरणें मतलब दूर दूर तक नहीं एंटर कर सकती थी एंड फ्रेस और ताजी हवा भी ऐसे बंद जगह पे उसको रखा जाता था

रिश्तेदार पड़ोसी सब उनके ऊपर प्रेशर डालने लगे कि अब तो भाई किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो किसी स्पेशलिस्ट uh, को ऐसे वैसे डॉक्टर को मत दिखाओ चाहे फीस कितनी लग जाए लेकिन किसी अच्छे की किस सलाह लो जो इतने दिन से तुम बीमार हो और कोई सुधार नहीं हो पा रहा है लाइफ इज मोर प्रेसियस देन मनी अब लोग कहने लगे कि uh, जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा कीमती होती है पैसे से तो दे सैड उन्होंने कहा मदर वॉज पुअर बट सी ही डिड देयर एडवाइस एंड सोल्ड अ फ्यू गरीब होने के नाते भी उसने क्या किया लोगों उनकी एडवाइस मानी उसने क्या किया उसके बाद छोटे मोटे कुछ भी जो भी गहने थे या कोई छोटी मोटी कीमती चीजें थी trinkets वही होते हैं उनको बेच के उसने डॉक्टर की फीस दी

मतलब इसके साथ-साथ तुम इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का फल सब्जी कुछ भी जो तुम खाना चाहते हो इन एडिशन टू ऑल दिस और इन सब के साथ-साथ ही एडेड एम्पैथीटिकली उसने प्रेशर डालते हुए मतलब थोड़ा सा प्रभाव डालते हुए कहा लीव दिस डार्क होवेल कि सबसे पहले तो पहले डॉक्टर ने क्या सजेशन दिया कि सबसे पहले तो इस होवेल यानी झोपड़ी को छोड़ो एंड ऑक्युपाई अ बिगर रूम और सबसे पहले एक बड़ा रूम आ, में तुम अपना शिफ्ट करो विद डोर्स एंड विंडोज ओपन जहाँ पर भी दरवाजे खिड़की हर वक्त खुले रह सके सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम एट टू नाइन कि हर सुबह तुम्हें सूरज की धूप में बैठना चाहिए आठ से नौ बजे तक सनसाइन एंड फ्रेश एयर सूरज की धूप और ताजी हवा ही कंक्लूडेड उसने इस तरीके से अपना सॉल्यूशन बताया मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन यानी नेचुरल थिंग्स के बारे में बताया डॉक्टर ने कि जितना तुम सूरज की धूप में और ताजी हवा में रहोगे उतना ही तुम्हें जल्दी आराम होगा दवाइयों से भी ज़्यादा ये चीज़ें असर करती है द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस विकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नोएजी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट अब डॉक्टर और उनकी जो सलाह थी वो सबके बीच में आ, मतलब नोए जी एक तरह से शोर हो गया था उनकी बात सुनने के बाद डॉक्टर की बात सुनने के बाद जो भी वहाँ खड़े थे सब आपस में कमेंट्री करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं ऐसा भी होता है सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट अपोज्ड होता है अपोजिट जाना यानी कुछ तो लोग उसके फेवर में थे और कुछ कह रहे थे ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर ऐसा थोड़ी होता है एक्सपोजर टू द सन एंड एयर फॉर एफ एफ्लिक्टेड विद कफ क्रोनिकॉज डेंजरस कुछ लोग क्यों फेवर में नहीं थे उनका मानना था कि सूरज के सामने बैठना और हवा में रहना एक ऐसा मरीज जो कि लंबे समय से इतनी भयंकर खांसी से पीड़ित है इतनी लंबे टाइम से उसको बीमारी है खांसी जुकाम और बुखार है तो इतनी खतरनाक है उनके उनको तो खुले में ऐसे बिठाना एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड यानी एक बहुत ही बूढ़ी सी एक बुजुर्ग महिला थी उसने ऐसा कहा यंगर नेबर ओवर दिस एक यंगर नेबर थी उनके पड़ोस में जो मतलब यंग थी काफी उसने भी उनके पास ऐसे ही झगड़ते हुए कहा टू एडजस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट यानी दो तो यहाँ पर अब कुछ लोग तो वहाँ पर थक ही गए थे इनकी आपस में डिबेट की वजह से डिबेट सईद मदर रिमेन बट डेटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर देखिए वहाँ उन लोगों की आपस की बहसबाजी डिबेट चल रही थी जो भी थे फैमिली थे या, या रिलेटिव थे लेकिन सईदा की मदर ने उसमें किसी भी तरीके का अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया वो चुप रही लेकिन उसने अपने अंदर ही अंदर डेटरमाइंड कर लिया था दृढ़ संकल्प रख लिया था कि मुझे डॉक्टर की सलाह जरूर माननी है फोर द कॉन्सिक्वेंसिस कॉन्सिक्वेंसिस होता है उसके प्रभाव यानी उसके रिजल्ट क्या होंगे सब सबको भूलते हुए सी सैड एट लास्ट वह आखिर में कहती है आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर कि मैं अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस मेरे को दिए गए हैं उनको जरूर फॉलो करूंगी डॉक्टर ने जो भी मुझे लिख के दिया है हर चीज को मैं जरूर फॉलो करूंगी सी सैड एट लास्ट वो आखिर में कहती है मूव माई बैड इन टू द नेक्स्ट रूम मेरे बेड को मेरे बिस्तर को मेरी चारपाई को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली और अब मैं डेली की डेली सूरज की धूप में एक घंटा जरूर बैठूंगी द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज अब देखिए आगे क्या होता है अब सही की मदर ने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करने का डेटर किया तो बादलों ने साथ नहीं दिया नेचर ने साथ नहीं दिया अब सूरज जो है कुछ दिनों तक लगातार बादलों से भरा रहा सैदा एक स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। सैदा ने अपनी, अपनी मदर को ठीक करने के लिए सूरज की किरणों से स्पेशली रिक्वेस्ट की कि वो आए और उनकी हेल्प करें सनरेज कीप देयर वर्ड सनरेज यानी सूरज की ने उनसे प्रोमिस किया और वो अपने वादे को पूरा करने के लिए नीचे आती हैं इन अ लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदाज मदर और वो सईदा की मदर को एक नया जीवन दान देती हैं पढ़ते हैं आगे टू इट सो हैपन दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग और देखिए ऐसा क्या हो गया कि सूरज की जो आसमान जो था वो कुछ दिन अगले सुबह ही ओवरकास्ट यानी बादलों से छा जाता है द सेम वाज द कास्ट सेम ऐसा ही आगे भी कुछ दिन तक रहा मदर वॉज डिजेक्टेड अब सैदा की मदर बेचारी बुरी तरीके से जो है जोश से रहित हो गई थी बिल्कुल उनके अंदर जोश नहीं बचा था सी मटर्ड वो अंदर ही अंदर बुड़बुड़ाते हुए कहती है ओ लॉर्ड ऑफ माइंड हे hey, मेरे देवता व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन तुमने सूरज को छुपा के क्यों रखा है हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड अब मैं कैसे ठीक होऊंगी सईदाबाद प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड सी हार्ड हर मदर्स लेमेंट बट कैप्ट काम लेमेंट होता है विलाप करते हुए रोना यानी यानी सईदा वहीं पास में खेल रही थी अपनी गुड़िया के साथ उसने देखा उसकी मदर जो है काफी परेशान है और रो रही है विलाप कर रही है तो वो चुप रहती है सईदा क्या कर सकती थी तो बच्ची थी लेटर इन द आफ्टरनून और बाद में दोपहर के बाद सनसाइन इन द कोर्टयार्ड बाद में दोपहर के बाद क्या होता है स्पोर्ट एकदम से वो भागते जैसे देखती है ऑफ पेल सनसाइन यानी पीला पेल होता है पीला पीली पीली सी जो सूरज की रोशनी उसको दिखाई देती है आंगन में आंगन में टू हर मदर। वो भागती जाती अपनी के पास से है जितने भी लोग थे सबने कहा लेट एंड चिली अब तो बहुत लेट हो गया है और अब तो बहुत ठंडी हवा चल रही है योर मदर कांट सीट आउट देयर अब थोड़ी ना तुम्हारी मदर बाहर बैठ सकती है एंड अब इससे जो है सैदा बेचारी उसका दिल टूट जाता है वो क्या कर सकती थी क्योंकि काफी लेट सूरज निकला था उस दिन सैदा रिटर्न टू तो हर डोल अब सैदा वापस अपनी गुड़िया के पास चली जाती है देर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट लेमेंट रेमनेंट एंटैंग ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री वैसे तो इस टाइम पे कोई सूरज था नहीं तो सच में ही वहां पर कोई सूरज नहीं था बस उनका जो आंगन में मैं, फैमिली मैंगो ट्री उसको उनके घर में जो था उसकी ऊंची की ऊंची ऊंची जो ब्रांचेस थी ऊंची ऊंची जो टहनिया थी वहां पर सूरज का एक जाते हुए झलक उनको जरा जरा सी झलक दिख गई थी कभी कभी होता है ना बादलों के बीच से कुछ दिख जाना ऐसा ही नाउ चिल्ड्रन है कमांड लैंग्वेज अब बच्चे आपस में ही अपनी एक सिक्रेट लैंग्वेज में आ, जो बातें करते हैं फोर एंड टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर चाहे आप विदेश में हैं या जितने भी बढ़ बढ़ते हुए बच्चे हैं वो सब मिल के एक साथ इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज फ्लावर्स एनिमल्स द सन एंड द मून पर हैप्स इवन विद द एलमाइटी एलमाइटी यानी भगवान जी यानी सभी एक साथ बात करना जैसे पेड़ों से हम बात करते हैं या फूलों से एनिमल से सूरज से चांद से और कभी कभी भगवान से भी शायद इस तरीके से वो अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज में बात करते हैं यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ट हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन और उसी लैंग्वेज में जैसे हम सब बात करते हैं ना सेम एज ऐसे ही सईदा भी भगवान जी की जो सूरज की लास्ट किरण है उससे प्रे कर रही है उसको संबोधित कर रही है डियर सिस्टर मेरी प्यारी बहन डू कम टूमोरो तुम कल जरूर आना विद लोड्स ऑफ वार्म एंड ब्राइटनेस बहुत सारी गर्मी और चमक के साथ यू सी तुम देखो माई मदर इज इल मेरी माँ बीमार है एंड नीड्स योर हेल्प और मेरी माँ को तुम्हारी जरूरत है श्योरली आंसर द लाइट और ऊपर से लाइट का भी आंसर आता है सूरज की किरण भी आंसर करती है जरूर डोंट लुक अनहैप्पी तुम अनहैप्पी मत बनो वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर हम कल जरूर आएंगे सही समय पर नेक्स्ट डे अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह फॉर जर्नी डाउन टूअर डे ऑफ अगेन अगले दिन क्या होता है सुबह सुबह सूरज की किरणें जब नीचे आने के लिए रेडी हो गई थी अपनी यात्रा के लिए जब अर्थ पर आना चाहती थी तो सूरज कहता है कि आज हमारा ऑफ है आज हमें नीचे नहीं जाना ंग अपर आज हमें यहीं पे रहना है द रोड टू दर्थ इज ब्लॉक ऑफ हमारा रास्ता है वो रुका हुआ है, मक है कि जो से बादल रास्ते में हमारे जो है रोडा बने हुए हैं बीच रास्ते में उन्होंने हमारा आर्मी की तरह हमारा रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया है द लिटल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क सब छोटी छोटी किरणें थी वो तो जरूर जाना चाहती थी नीचे बट दे रिमेन क्वाइट लेकिन वो बेचारी चुप रहती हैं वन ऑफ देम उन्हीं में से एक किरण कहती है दो हु हार्ड मेड अ पैक्ट विद लिटिल सईदा सेड जिसने जो है छोटी uh, सईदा से प्रोमिस किया था सर आई कांट स्टे बैक वो कहती है श्रीमान जी मैं तो यहाँ पर नहीं रुक सकती आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा हुज मदर इज़ इंड नीड्स आवर हेल्प कहती मैंने तो सैदा को वचन दिया है उसको प्रोमिस किया है कि मैं नीचे जरूर जाऊँगी जहाँ पर सदा की मदर को मेरी ज़रूरत है नीड्स और हेल्प हमारी मदद की जरूरत है आई विल पायास थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सयदाज कोट यार्ड मैं तो उन मटमैले बादलों को चीरते हुए नीचे जाऊंगी और सैदा के आंगन में जरूर जाऊंगी विल हर मदर बीर ऐसे उसकी मदर बिचारिक कैसे ठीक हो पाएगी दिस अगेंस्ट देयर फादर द सन अब, अब देखिए एक ने जो है रिवोल्ट किया एक ने अगेंस्ट आवाज उठाई तो सभी रेज सारी किरणें जो है एक साथ ये सब सुन के एक साथ बोलती हैं अपने फादर को फैंस बैक अगेन ऐसे होता है वैसे कल्पना करना कि वो वापिस आने की कल्पना करके आ, करते हुए एक साथ बोलती हैं इन अ सिंगल वॉइस एक ही आवाज़ में व्हाट विल द पीपल ऑफ़ द अर्थ से अबाउट अस कि इस धरती के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो दैट वी ऑफ द लायर्स ऐसे तो हम स्वर्ग के लोग जो है लायर्स कहलाएंगे झूठे कहलाएंगे सन रेलेंटेड सूरज को तो मानना ही पड़ा तो सूरज भी मान जाते हैं प्लीज योअर सेल्फ ही सैड वो कहते हैं ठीक है अपने आप करो माइंड योर क्लोथ्स अपने कपड़ों का ध्यान रखो दो द क्लाउड्स आर मक्की की क्लाउड्स जो है वो मटमैले से हो गए हैं नेवर माइंड और क्लोज कहते हैं हम आप हमारे कपड़ों के बारे में मत सोचिए वी कैन ऑलवेज चेंज हम तो हमेशा ही बदल सकते हैं बट गो वी मस्ट

बैटेलियन ऑफ क्लाउड्स अब बैटेलियन क्या होता है बहुत सी आर्मी के सेना के टुकड़ियों को देखा होगा ना सेम एज बैटालियन एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है या आर्मी मैन या समूह बोल सकते हैं विच हैोस्ट ऐसा लग रहा था मानव वो अपनी पोस्ट को छोड़कर भाग रहे थे द रेज गोट थ्रू और सूरज की किरणें उनमें से पार करती हुई जाती है शूटिंग पास्ट दिल्डर्ड क्लाउड्स उनको देख के उनके डेटर्मिनेशन को देख के बादल भी घबरा गए थे तो वो भी उनको उनके आगे हार मान ले, मान लेते हैं दे वर ऑलरेडी लेट क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुकी थी सैदा सादा होल होस्ट ऑफ दो दैम अप्रोचिंग एंड हर हीट हर हार्ट लिफ्ट विद जॉय सैदा ने ये सारा ऐसे ही उनको हीट के साथ रेज uh, को आगे बढ़ते हुए देखा और उसका जो जो हार्ट uh, था उसका जो दिल था वो खुशी की वजह से भर जाता है सी साउटेड जोर से चिल्लाती है अम्मा अम्मा द सन इज हेयर माँ जल्दी आओ सूरज आ गया है कम आउट बाहर आओ द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड अब देखिए बूढ़ा बूढ़ी जो माँ थी बेचारी उसकी आंखें गिली हो जाती है आंसुओं से लेकिन आंसू थे खुशी के यानी किसी का मानना। हर चारपाई अब जो है उसकी को घंटे के लिए बाहर आंगन में रखा गया। की मदर ने तो वैसे भी सोचा हुआ था कि अब डॉक्टर की एडवाइस को जरूर फॉलो करना है तो वो एक घंटे के लिए पूरे समर्थन के साथ बोलस्टर्स होता है समर्थन के साथ बाहर आंगन में लेटती है इट हैंड्स यानी कई महीनों से उसने सूरज को अपने हाथों पे अपने चेहरे पे अपनी सांसों में ताजी हवा को महसूस नहीं किया था सी थोट अब उसने सोचा सीवाज इन न्यू वर्ल्ड आज तो लग रहा था कि वो एक नए संसार में आ गई है दो पेल हालांकि पीला फेस था उसका हर फेस ग्लोड एंड हर आई सोन ब्राइट अचानक से उसकी आंखें चमक उठती हैं सूरज की धूप और ताजी हवा की वजह से सी सा हर चाइल्ड टू बात इन द सनलाइट उसने देखा उसकी उसका जो उसकी जो बच्ची है वो भी सूरज की रोशनी में बात होता है स्नान करना यानी सूरज की रोशनी में ऐसा लग रहा था कि सूरज की रोशनी उसको स्नान सना, करा रही है और उसको किस कर रही है द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस यानी सुबह की जो हवा थी वो एक नई खुशबू के साथ आई थी फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स आस पास के फूलों की खुशबू को फैलाते हुए द बर्ड चैंटेड अ न्यू टोन और पक्षी जो थे वो एक नई टोन को गा रहे थे सईदा की मदर अब पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही थी सीजफुली रिकवर्ड ना हो अब कुछ टाइम के बाद की बात है कि वो अब बुरी तरीके से ठीक हो जाती है बट से स्टिल फॉलोस द डॉक्टर एडवाइस इसलिए उसने अभी भी डॉक्टर के एडवाइस को जरूर फॉलो किया एंड आवर ऑफ सनलाइट एक घंटे तक लगातार वो सूरज की धूप में बैठती है एंड लंग लंग फ्यूल्स लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे और अपने लंग्स को फुल करते हुए वो हर दिन ताज़ी हवा में सांस लेती है ये सभी नेचुरल थिंग्स वैसे भी हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है बेनिफिशियल होते हैं इसीलिए कहा जाता है जितना ज़्यादा हो सके आप फ्रेश एयर लीजिए और ताज़ी फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल खाइए और डेली आप योगा कीजिए एक्सरसाइज कीजिए नेचुरल थिंग्स में और फ्रेश एयर में आप जितना ज़्यादा रहते हैं सनलाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट उसी के साथ हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और हम हमेशा जो है हेल्दी बने रहते हैं तो so, ये था आज के चैप्टर अपैक्ट विद द सन आई होप आप, आप सबको बहुत अच्छे से मैं होपफुली सेटिस्फाई uh, कर पाई हूँ अपैक्ट विद द सन तो स्टूडेंट्स uh, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के समरी के साथ तब तक के लिए बाय।